Good morning, friends. Now we are going to learn details about the most important organization in security market, that is SEBI, Securities and Exchange Board of India. SEBI was established by Indian government in 1988 under the administrative control of Finance Ministry. 1988 में इंडियन गवर्नमेंट ने सेबी स्टैब्लिश की जो उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करती थी. नाउ सेबी इज स्टैट्यूटरी बॉडी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992. लेकिन अब बाद में सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी डिक्लेयर किया गया. स्टैट्यूटरी बॉडी आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, जो पब्लिक सेक्टर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर की एक ऑर्गेनाइजेशन है. इन बॉडीज के लिए एक स्पेशल एक्ट होता है और उसी एक्ट के अनुसार स्टैट्यूटरी बॉडी गवर्न होती है, जैसे RBI, LIC, GIC. इसी तरह सेबी के लिए द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 पास किया गया. अब इस एक्ट के अनुसार ही सेबी वर्क करती है. उसका परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस है. उसके पास कॉमन सील है, यानी यह कॉमन सील सेबी की सिग्नेचर है. उसे अपने खुद के डिसीजंस लेने के अधिकार है. सेबी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट फॉर इट्स फंक्शन. सेबी वॉज एस्टैब्लिश टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्थी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन. अब सेबी का एस्टैब्लिशमेंट इसलिए किया गया ताकि सिक्योरिटीज मार्केट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, सिस्टमैटिक वर्किंग हो, इसके साथ ही इन्वेस्टर्स के राइट्स प्रोटेक्ट हो. सेबी वॉज एस्टैब्लिश टू कंट्रोल माल प्रैक्टिसेस बाय कंपनीज, ब्रोकर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा. अब जैसे जैसे सिक्योरिटीज मार्केट डेवलप होने लगा, वैसे वैसे कंपनी, ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर्स, इंटरमीडियरीज की माल प्रैक्टिसेस भी इंक्रीज होने लगी, जैसे इनसाइडर्स ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग, अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट, डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, अनऑफिशियल प्रीमियम. सो इन माल प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए गवर्नमेंट और स्टॉक एक्सचेंज अनेबल थे, तो उन्होंने एक सेबी का इस्टैब्लिशमेंट किया जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है. इस तरीके से इन्वेस्टर्स के राइट्स प्रोटेक्ट हो सके. नाउ वी लर्न पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी. मोबिलाइजेशन एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू सिक्योरिटीज मार्केट. इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ा, जिसमें हाउसहोल्ड्स की सेविंग्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोडक्टिव पर्पस के लिए मोबिलाइज होती है, ट्रांसफर होती है. और इस मोबिलाइजेशन के लिए दो मैकेनिज्म्स होते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट. सो सेबी यह एंश्योर करती है कि यह सरप्लस मनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल मार्केट यानी सिक्योरिटीज मार्केट के थ्रू इजीली मोबिलाइज हो, ट्रांसफर हो, जिससे हमारी कंट्री में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बढ़े, सिक्योरिटीज मार्केट भी डेवलप हो. सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ इश्यूअर, इन्वेस्टर एंड इंटरमीडियरी. सेबी यह एंश्योर करती है कि इस सिक्योरिटीज मार्केट में इश्यूअर के इंटरेस्ट सर्व हो, जिसे इश्यूअर को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए सफिशिएंट फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो, वे मनी रेज कर सके और यह प्रोसेस इजी हो, टाइमली यह कंप्लीट हो सके और उन्हें फंड्स जनरेट हो. इसी तरह इन्वेस्टर जो अपने फंड्स कंपनी को मोबिलाइज करते हैं, उनके फंड सिक्योर होने चाहिए, उन्हें टाइमली डिविडेंड मिलना चाहिए, कंपनी की पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्हें टाइम पर मिलनी चाहिए. इसी तरह इंटरमीडियरी जैसे मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर्स, तो इनके लिए एक कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिसमें वे अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके. नाउ वी लर्न ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी. रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज मार्केट. सेबी स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, ताकि सिक्योरिटीज मार्केट में स्मूथ फंक्शनिंग हो सके. द सेकेंड इज प्रोटेक्ट राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, गाइड एंड एजुकेट देम.
अब सेबी अपने इन्वेस्टर्स को गाइड भी करती है, एजुकेट करती है, टाइम टू टाइम उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन पास ऑन करती है ताकि वे करेक्ट डिसीजन ले सके कि उन्हें किस कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। इससे इन्वेस्टर्स के राइट और इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे। प्रिवेंट ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस। ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस जैसे अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग, नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनीज एक्ट, इन सभी माल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए, कम करने के लिए ही सेबी एस्टैब्लिश हुआ है। रेगुलेट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज जैसे ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इनके लिए सेबी कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है ताकि उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव सर्विसेज सभी को मिल सके। नाउ वी लर्न फंक्शंस ऑफ सेबी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ सेबी। द फर्स्ट इज रेगुलेटरी फंक्शन। दिस फंक्शन एम्स टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। दे इंक्लूड रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर एक्सेट्रा। हमने पहले भी देखा कि ब्रोकर, सब ब्रोकर्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं और यह सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं, तो इनका रजिस्ट्रेशन सेबी करती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जितनी भी होती हैं, म्यूचुअल फंड ऑप्शंस होते हैं, इनका भी रजिस्ट्रेशन सेबी करती है। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक बैंकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर, बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस, यानी इस सिक्योरिटीज मार्केट को चलाने के लिए जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं, एजेंसीज होती हैं, उन सभी का रेगुलेशन सेबी करती है, यानी उन सभी को लीड सेबी करती है। रेगुलेशन ऑफ टेकओवर बीड्स बाय कंपनी। टेकओवर बीड इज अ कॉर्पोरेट एक्शन इन विच वन कंपनी परचेजेस अनदर कंपनी फॉर कैश और स्टॉक। सो ऐसी टेकओवर बीड को भी सेबी रेगुलेट करती है। अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरीज। अब इस सिक्योरिटीज मार्केट में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस और इंटरमीडियरीज हैं, उन सभी से सेबी इंफॉर्मेशन बुला सकती है, इंफॉर्मेशन के लिए इंस्पेक्शन करा सकती है, इंक्वायरीज कंडक्ट करती है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट भी चेक कर सकती है। लेविंग फीस एंड अदर चार्जेस। सेबी अपनी सर्विसेज के बदले में फीस और चार्जेस कलेक्ट कर सकती है। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एज डेलीगेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी पावर्स, राइट्स सेबी को दिए हैं, उन सभी को सेबी एक्सरसाइज करती है, उसके अनुसार वर्क करती है। द सेकेंड इज डेवलपमेंट फंक्शंस। दीज फंक्शंस एम टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। दे इंक्लूड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। सिक्योरिटीज मार्केट में जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने का काम सेबी करती है। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन। सेबी टाइम टू टाइम रिसर्च वर्क करती है और इस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती है ताकि इश्यूअर, इन्वेस्टर, इंटरमीडियरी सभी का बेनिफिट हो और वे इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सके। डेवलप कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जैसे बहुत से डेवलपमेंट हुए हैं, पहले ट्रेडिशनल फॉर्म में ट्रेडिंग प्रोसीजर थी, अब ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ कैपिटल मार्केट में भी बहुत से अपडेट सेबी ने किए हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती है, लॉस चेंज होते हैं, उन्हें भी सेबी अडेप्ट करती है और कैपिटल मार्केट में इम्प्लीमेंट करती है। नाउ द थर्ड इज प्रोटेक्टिव फंक्शंस। दीज फंक्शंस एम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। दे इंक्लूड prohibition of fraudulent and unfair trade practices like making misleading statement।
मिसलीडिंग स्टेटमेंट मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे किसी रिसोर्स पर्सन, लीडर, कंपनी में की पोजीशन एक्वायर करने वाले पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उस पर एक स्मॉल इन्वेस्टर, जनरल इन्वेस्टर ट्रस्ट करके डिसीजन लेता है। लेकिन यदि वह स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, फॉल्स है, तो उसे कहेंगे हम मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स। मैनिपुलेशंस जैसे अकाउंट्स में किए जाते हैं, कोई कंपनी लॉस में है तब भी खुद को प्रॉफिट में दिखाती है या हायर प्रॉफिट शो करती है जिससे उसके कंपनी के शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। सो दैट इज मैनिपुलेशन, अनफेयर प्रैक्टिस। नाउ प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग इज ऑल्सो इलीगल एक्शन जिसमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर साजिश करते हैं और आर्टिफिशियली शेयर प्राइस को इन्फ्लेट या डिप्रेस करते हैं, यानी शेयर प्राइजेस में आर्टिफिशियली इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। जब शेयर प्राइजेस सपोज मान लीजिए बहुत ज़्यादा किसी कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं तो एक जनरल इन्वेस्टर को लगता है कि इसमें और ज़्यादा मुनाफा होगा तो वह उन शेयर्स को परचेज कर लेता है। लेकिन जब ये शेयर प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं तो एक कंस्पायरिंग पीपल सडनली उसे सेल कर देते हैं जिससे एक जनरल इन्वेस्टर को हैवी लॉस होता है और इन साजिश करने वाले लोगों को हैवी प्रॉफिट होता है। दैट इज प्राइस रिगिंग। सो सेबी ऐसी फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करती है। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कंपनी में यदि किसी पर्सन की पोजीशन है जैसे डायरेक्टर, प्रमोटर, तो उन्हें कंपनी के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है कि कंपनी में आगे क्या होने वाला है, प्राइस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। और यदि इस इन्फॉर्मेशन का वो मिसयूज़ करते हैं, इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक करते हैं, अपने पर्सनल गेन्स करते हैं, तो उसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करती है और इसके लिए पेनाल्टीज भी चार्ज करती है। अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सेबी वह सभी स्टेप्स लेती है जिससे इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन हो, वह जो भी परचेज सेल का ट्रांजेक्शन करे उसमें डिले ना हो, ऐसे फेक ट्रांजेक्शंस भी ना हो। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी सिक्योरिटीज मार्केट में इश्यूअर, इन्वेस्टर, इंटरमीडियरी सभी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट करती है और फेयर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देती है। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे हॉट्स पूछे जाते हैं जिसमें यही फंक्शंस उस हॉट्स में होते हैं। आपको मेन फंक्शन जैसे प्रोटेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई करके उसका सब फंक्शन भी आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे यह इनसाइडर ट्रेडिंग है या मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेबी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।